सनी देओल जी के चुनाव में भी था। और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए चंडीगढ़ जो है यूनियन एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है, यहां पर जिस प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं वो और देश से अलग है। तो यहां पे जो विकास का जो वो है कार्यक्रम, उसकी नीतियां, उसका आधार अलग होता है। तो मैं तो किरण खेर जी के लिए एक शेर बोलना चाहता हूं कि जाओ सूरज से कह दो कि गिल ले वो अपनी किरणें, जाओ सूरज से कह दो कि गिल ले वो अपनी किरणें, यशस्वी किरण खेर आ गई है देश के हर जर्रे को चमकाने। ये जो सोने में सुहागा है, अगर ये लहर नहीं ललकार है, अगली बार से मोदी सरकार है। किरण जी जब यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन 5 साल से संभाल रही है, लगातार सेवा कर रही है, एक भी दिन का अवकाश नहीं लिया है, वो मुंबई नहीं गई है, कोई पिक्चर नहीं कर रही है, उनका सिर्फ वेदना जो हृदय में है वो चंडीगढ़ की वासियों के लिए है। मैंने इनके बारे में बहुत पढ़ा है, मैं इनका बहुत बड़ा फैन भी हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतनी कॉम्पिटेंट पार्लियामेंटेरियन आपको मिल रही है, ये चाहती तो राज्यसभा के माध्यम से भी जा सकती थी, इनकी इतनी उपलब्धियां हैं, लेकिन इन्होंने चुना अपना जहां पर इनका जन्म हुआ है चंडीगढ़ में, उस चंडीगढ़ की जनता की सेवा करने के लिए। तमाम तरह के विकास के इनके कार्यक्रम हैं जिसके बारे में पढ़ रहा था, ओपन जेल और यहां पर जो ब्रिजेज है, ट्रिब्यून ब्रिज, इसके अलावा जो जो रोटी खाने की है, 10 रुपए में आपको रोटी चावल अचार और क्या 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 नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये निरंतर सेवा करने का परिश्रम है। अगर कोई ये व्यक्ति कहे कि किरण खेर जी जो है यहाँ पर नहीं रहती है, काम नहीं करती है, तो मैं समझता हूँ कि ये अफवाह है, ये लगातार करती रहेंगी। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट सेमी रिटायरमेंट डाल दिया है, तो आपको कहाँ पर ऐसी महान व्यक्ति मिलेंगी। मैं ज्यादा अपना समय नहीं लूंगा, मैं बस ये कहना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप भी बहुत खुशकिस्मत हैं और किरण जी भी खुशकिस्मत है, क्योंकि इनका जन्मस्थान है, इसको ये इनको एक बहुत बड़ा पर्व है कि उनको मौका मिल रहा है आप सब लोगों की सेवा करने के लिए। मेरे साथ एक बार बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।